हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम क्लास टेंथ की मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये हमारा फर्स्ट क्लास है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर पॉलीनोमियल से। आज फर्स्ट क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है, तो बहुत बड़ी क्लास नहीं रखेंगे, छोटी ही क्लास रखेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट वी डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू पॉलीनोमियल्स विच वी ऑलरेडी स्टडी इन नाइन्थ क्लास। द हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। जो भी आपके पास हाइएस्ट पावर होती है पी एक्स की, वो क्या होती है? पॉलीनोमियल की डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इक्वेशन ली 5x³ - 4x² प्लस एक्स माइनस रूट टू। अगर आपसे इसमें डिग्री पूछे तो इसमें डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री क्या है? 3। डिग्री क्या है? पॉलीनोमियल की हाईएस्ट पावर। इसमें एक्स की पावर 1 है, एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है? 3। देन जिस पॉलीनोमियल की डिग्री 1 है उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर पॉलीनोमियल। यानी कि जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है उसको क्या कहेंगे? लीनियर पॉलीनोमियल। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इक्वेशन दी हुई है 3x + 4, तो ये क्या है? लीनियर पॉलीनोमियल, क्योंकि इसमें डिग्री क्या होगी? 1। डिग्री क्या है? एक्स की पावर। क्लियर है इतना? यानी कि किसी भी पॉलीनोमियल में, पी एक्स में, जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है। अगर डिग्री 1 है तो पॉलीनोमियल कैसा है? लीनियर। अगर डिग्री 2 है तो पॉलीनोमियल कैसा है? क्वाड्रेटिक। अगर डिग्री 3 है देन द पॉलीनोमियल इज़ क्यूबिक पॉलीनोमियल। क्लियर है? डिग्री 1 है लीनियर, 2 है क्वाड्रेटिक, 3 है क्यूबिक, और डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन। इसके अलावा जो हमें ये पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन करने के लिए पता होना चाहिए वो है जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल्स। जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल्स का मींस क्या होता है? वैल्यू ऑफ एक्स। जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल्स का मीनिंग क्या है? वैल्यू ऑफ एक्स। तो आज मैंने जो छोटा सा टॉपिक ले रही हूँ वो जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल्स का ही है, तो ध्यान से समझिए जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल एक्चुअल में है क्या। जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल मैंने आपको बताया क्या है? वैल्यू ऑफ एक्स। सपोज मैंने एक ग्राफ बनाया और ग्राफ में लाइन ड्रॉ की। अगर आपसे इसमें पूछें कि भाई जीरो ऑफ पॉलीनोमियल क्या है, तो जीरो ऑफ पॉलीनोमियल क्या होगा? वैल्यू ऑफ एक्स। कितनी वैल्यू है एक्स की, वो क्या है? जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल। सपोज मैं यहाँ पे बात करती हूँ, तो कितने हैं? जितनी बार लाइन जो है एक्स एक्सिस को कट करती है वो क्या है? जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल। सपोज मैं बात करती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल के नंबर क्या होंगे? 1। यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी होंगी? 1। सिमिलरली अगर मैं इस टाइप का कुछ ग्राफ बनाती हूँ, सपोज ये है ग्राफ, तो यहाँ पे जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल्स कितने होंगे? 2, क्योंकि एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे? एक यहाँ पे आएगी और एक यहाँ पे, यानी कितनी वैल्यू होंगी? 2। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, सी एक डायग्राम है, आपको बताना है इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। नंबर जीरोस क्या है? एक्स की वैल्यू। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि इस ग्राफ में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो आपको क्या करना है? काउंट करके एक्स की वैल्यू बतानी है। यानी कि आपको ये बताना है कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच करता है। जितनी बार वो टच करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो यहाँ पे कितनी बार टच कर रहा है? 1, 2, 3, 4। कितनी बार टच कर रहा है? 4 times। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई नंबर ऑफ़ जीरोस कितने होंगे, तो आप क्या बताएंगे? इस ग्राफ में नंबर ऑफ़ जीरोस कितने हैं? 4।
क्लियर है। जीरोज मतलब एक्स की वैल्यू, नंबर ऑफ जीरोज मीन्स एक्स की कितनी वैल्यू होंगी, और अगर आपको ग्राफ गिवन है तो आपने ग्राफ कितनी बार एक्स एक्सिस को टच करता है उसके बेस पे कैलकुलेशन करके नंबर ऑफ जीरोस बता देना है। जीरोस की वैल्यू कैसे निकालते हैं वी विल डिस्कस इन लेटर क्लासेस। तो अभी हमारा आज का छोटा सा टॉपिक मैंने लिया है, इंट्रोडक्शन है, तो उसमें छोटे से टॉपिक से हमने स्टार्ट किया है। क्या है वो? नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो उसका चैप्टर 2 है, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं आज इंट्रोडक्शन के लिए। सी, मैंने एक्सरसाइज 2.1 लिया है एनसीईआरटी से। पहला क्वेश्चन क्या है रीड कर लीजिए अच्छे से। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केसेस। क्या निकालना है? नंबर ऑफ जीरोज। पहला ग्राफ देखते हैं कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ जीरोज का मतलब क्या है कि जो ग्राफ की लाइन है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच करती है। तो अगर मैं फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में ग्राफ एक्स को टच नहीं कर रहा है, सिर्फ इसको टच कर रहा है वाई को। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे? ज़ीरो। सेकंड की बात करेंगे तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? वन, क्योंकि एक ही बार टच कर रहा है। थर्ड की बात करते हैं तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? वन टू थ्री। देन नेक्स्ट ग्राफ की बात करेंगे तो नंबर ऑफ़ जीरोस क्या होंगे? आपसे ये नहीं पूछा कि नेगेटिव है वैल्यू पॉजिटिव है, आपसे सिर्फ नंबर ऑफ़ जीरोस पूछे हैं। कितने नंबर ऑफ़ जीरोस होंगे? टू। देन नेक्स्ट ग्राफ की बात करें तो नंबर ऑफ़ जीरोस कितने होंगे? वन टू थ्री फोर, ठीक है। देन नेक्स्ट ग्राफ की बात करते हैं, नंबर ऑफ़ जीरोस कितने होंगे? वन टू थ्री। देखिए क्रॉस करके नहीं जा रहा है, सिर्फ टच करके जा रहा है। अगर क्रॉस करके जाता है इस टाइप से तो टू वैल्यू काउंट करेंगे, क्रॉस करके जा रहा है टू वैल्यू काउंट करेंगे, लेकिन जहाँ पे टच करके जाएगा वहाँ पे क्या वैल्यू काउंट करेंगे? वन। तो कितनी वैल्यू होगी? वन टू थ्री। तो हमारे फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? क्या निकालना है हमें? नंबर ऑफ ज़ीरोस। फर्स्ट में नंबर ऑफ़ जीरोस कितने हैं? ज़ीरो। सेकंड में नंबर ऑफ़ जीरोस कितने हैं? वन। थर्ड में नंबर ऑफ़ जीरोस कितने हैं? वन टू थ्री। फोर्थ में नंबर ऑफ़ जीरोस कितने हैं? वन टू। फिफ्थ में नंबर ऑफ़ जीरोस कितने हैं? वन टू थ्री फोर। सिक्स्थ में नंबर ऑफ़ जीरोस कितने हैं? वन टू थ्री। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। मेन क्लास हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने आपको रेडी करिए क्लासेस के लिए, क्लियर है। तो छोटा सा सिंपल सा टॉपिक ये है, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। पहले हम लोग एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे, देन वी विल डिस्कस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। क्लियर है दोस्तों? अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक्सरसाइज 2.2 के साथ। थैंक यू।